हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, क्या होने वाला मुझे भी नहीं पता, तो इसके लिए आपको भी देखनी होगी और आपको भी नहीं पता पूरी वीडियो। तो आज जो वीडियो हमारी होम स्टे की, और होम स्टे में हमारे रूम कैसे रूम है और किस प्राइस से स्टार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरी वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। और आप देख रहे हैं सामने हमारा होम स्टे, और कई गेस्ट आते हैं जो कहते हैं कि आपका होम स्टे रोड से कितना दूर है। तो देखिए, मेन रोड से लगा हुआ होम स्टे है, मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पे होगा। और अगर वैसे कोई नहीं चल पाते तो उनके लिए गाड़ी जाने का भी है हमारे पास, लेकिन आपको गाड़ी यहीं वापस पार्क करनी होगी। तो आपको मैं लेके चलता हूँ। अभी भी पेड़ों में सुंदरता बनी हुई है, और यह है आड़ू का पेड़। तो जो इस समय बागों पे जो फूल खिले हुए हैं, काफी शानदार फूल खिले हुए हैं। और ये हमारा रोड, अभी कल्पना यहाँ पर वॉक कर रही है सामने। हेलो कल्पना, हाय, कैसे हैं? गुड, हम भी गुड, आप भी गुड, सब गुड। और जहाँ तक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ सामने, तो ये सब हमारी होम स्टे प्रॉपर्टी है। तो कई लोग आते हैं इसमें वॉक करना चाहते हैं सुबह, तो आप वॉक के लिए भी इस रास्ते पे आगे तक जा सकते हैं। और अगर आप लोग सुबह यहाँ पर वॉक करने आते हैं तो वो ठंडक, अभी गर्मी का, जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा, आज 17 तारीख है, और अभी भी देख रहे हैं आप, मैंने खुद यहाँ पर जैकेट पहनी हुई है क्योंकि अभी यहाँ पर ठंड है। तो इसलिए आप लोग भी अगर यहाँ पर आते हैं तो शाम को तो ठंड है, उस हिसाब से आपको आना होगा। और मैं दिखाता हूँ आपको होम स्टे के रूम कैसे हैं। आज मैं आपको जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि होम स्टे के रूम कैसे हैं, क्योंकि सब लोग बार बार कॉल करते हैं पूछना आप होम स्टे की फ़ोटो भेजो, वीडियो भेजो, क्या है आपके पास। तो मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखा रहा हूं, तो आप इसमें देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और इन सुंदर फूलों के बीच से मैं आपको लेके चलता हूं होम स्टे की ओर। तो यहां पर हमारा होम स्टे के लिए रास्ता है। कल्पना बैठी हुई है यहां पर, खूब मजे कर रही है, क्यों? तो और साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है, द नेचर फील होम स्टे हैप्पी होली। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। परेशानियां हमें भी हैं, मगर मुस्कुराने में क्या जाता है भाई। तो आप मुस्कुराते रहिए, और होली की खुशी में आप मुस्कुराते रहें। और सबसे जो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो भी आपको हम खिलाते हैं, जो नेचुरल चीज़ें खिलाते हैं, तो ये लहसुन, यहाँ पर लहसुन उगा हुआ है। और भी दिखाता हूँ, और चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर नेचुरल उगा हुआ है। नेचुरल ये हम लोगों ने खेती कर रखी है बिना दवाइयों की, तो ये ऑर्गेनिक खेती भी कह सकता हूँ मैं आपको, तो हम इसको ऑर्गेनिक खेती भी कह सकते हैं। तो और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पर किस चीज़ की खेती कर रखी है। और ये उगा हुआ है धनिया, हरा धनिया, अरे इसका नमक बन जाए तो मज़ा आ जाता है, तो काफ़ी मज़ेदार होता है इसका नमक। और ये उगी हुई है हमारी मूली, और अभी यहाँ पर ये प्याज की खेती कर रखी है हम लोगों ने। तो ये लगभग हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं बिना दवाइयों का छिड़काव। और यहाँ पर हरी सब्जियाँ काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने उगा रखी हैं, क्योंकि हमारे कोई भी गेस्ट आए तो उनको अगर अपने यहाँ के खेतों की सब्जियाँ हम नहीं खिला पाए तो यार फिर उनका ये टूर ज़्यादा खास नहीं रहता, तो इसलिए उनको हम अपने यहाँ की ऑर्गेनिक सब्जियाँ खिलाना चाहते हैं। तो मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको आगे। और यहीं सामने हमारा होम स्टे, तो आपको मैं दिखाता हूँ होम स्टे, और इसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको एक एक रूम कि किस रूम में क्या फैसिलिटी है और किस रूम में क्या। तो इसके लिए आपको देखनी होगी पूरी वीडियो, और आपका जो अमाउंट है वो कितना खर्च हो रहा है यहाँ आने के बाद, वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरी वीडियो में। तो अभी कल्पना का वॉक का टाइम भी पूरा, काफ़ी देर से कल्पना वॉक कर, कितनी देर से वॉक कर रहे हो आप यहाँ पर? 20 मिनट से यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। और जो हमारी पूरी जगह है, तो इसमें आपको वॉक करने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है, और काफ़ी शांत जगह, मज़ा तो आता है काफ़ी ठंडी हवाओं में वॉक करने में, पहाड़ों में एक नेचुरल फील आता है। तो बिल्कुल, और आपको इसके लिए तो यहाँ आना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैं आप पूरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो है रूम। रूम कैसे है तो मैं आपको ले चलता हूँ रूम तक। तो शुरुआत करते हैं अतिथि देवो भव, जो अतिथि आते हैं हमारे वो भगवान स्वरूप होते हैं, और हमारे यहाँ पर कोई अतिथि आते हैं तो भगवान समान ही है। हमारे आंगन में फूल उगे हुए हैं, तो ये भी काफ़ी सुंदर नज़र आ रहे हैं इस समय।
तो ये है हमारा सिंगल रूम, और जिस रूम की लंबाई है 14 फुट और चौड़ाई है इसकी 9 फुट। तो 9x14 का हमारा ये रूम है, जिसमें डबल बेड, रजाई और चेयर टेबल, साथ में पेंटिंग्स और यहाँ पर टीवी। तो ये सारी सुविधाएं आपको इस रूम पे मिलेंगी। और इस रूम के साथ साथ बाथरूम आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस रूम के साथ साथ बाथरूम अटैच है। और आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ साथ सामने का नज़ारा कैसा है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के साथ साथ। तो यह रूम के सामने का नज़ारा ये देख रहे हैं आप, ये सामने का नज़ारा है इसका। तो ये है बाथरूम, बाथरूम की लंबाई है 7 फीट और चौड़ाई है इसकी 5 फीट। तो 5x7 का बाथरूम है हमारा। और ये रूम के साथ एकदम अटैच है बिल्कुल। और इस रूम के प्राइस है मात्र 1000 रुपये। अगर आप जरूर बताएं हमें, अगर आप हमें सजेशन भी करें कि इस रूम में और क्या सुविधाएं होनी चाहिए कि जिससे हम अपने आने वाले अतिथि को और अच्छी सुविधा दे सकें, तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप ले चलते हैं आपको साथ साथ दूसरे रूम पे जो डबल रूम है, और उसके क्या चार्जेस है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। आइए ले चलते हैं आपको सेकेंड रूम में। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको अब दूसरे रूम में, और आप जरूर बताएं इस रूम में क्या क्या खासियत है और क्या होनी चाहिए। तो ये हमारा सेकेंड रूम, डबल रूम। तो ये हमारा डबल रूम आप देख रहे हैं, और इस रूम की जो लंबाई है ये भी 14 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा। तो रूम लगभग सभी बराबर हैं। उसके साथ हैं डबल रूम, इसमें आपको डबल बेड, चेयर टेबल और लाइटिंग, और इसके सामने का भी नज़ारा तो काफ़ी सुंदर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो क्या क्या है इस रूम में जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई हमारे अतिथि आते हैं वो बोलते कि आपके रूम पे क्या 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 हमें जानकारी मिल सकती है। तो आप लोग हमारी वीडियो से एक एक चीज़ दे सकते हैं, और आपके हिसाब से और क्या सुविधा होनी चाहिए वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। तो ये डबल रूम का पूरा व्यू जो आप लोग देख रहे हैं, और आप लोग जरूर बताएं कि इसमें और क्या अच्छा हो सकता है कि हम जिससे आपको और अच्छी सुविधा दे सकें। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको इसके साथ साथ डबल रूम पे, जो इसके साथ दूसरा रूम अटैच है। तो ये है इसके साथ दूसरा रूम, और जिसकी लंबाई सेम 14 फीट, चौड़ाई 9 फीट। तो आप देख रहे हैं अभी इस समय, और ये दोनों रूम साथ में हैं। अगर कोई फैमिली आती है तो उनके लिए काफ़ी अच्छे हैं ये रूम, और काफ़ी कम बजट में है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने बजट के रूम हैं। और इनके साथ बाथरूम जो यहाँ पर अटैच है, और इसके साथ है बाथरूम, जो बाथरूम की लंबाई भी सेम जो मैंने अभी की आपको अभी बताई थी, 7x5, 7 फुट और 5 फुट है। इसके साथ भी बाकेट, वॉश बेसिन, गीजर, सभी सुविधाएं आपको यहाँ पर पूरी तरह से मिलेंगे और अच्छी मिलेंगी, साफ स्वच्छता बिल्कुल मिलेगी आपको। तो दोस्तों इस रूम के जो प्राइस हैं, आप जो सोच रहे हैं आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, तो हमने जो इस रूम के प्राइस रखे हैं, हमने रखे हैं इस रूम के प्राइस मात्र 1800 रुपये। 1800 रुपये में हम आपको ये डबल रूम देंगे, और इसके साथ साथ क्या क्या सुविधा देंगे वो मैंने आपको दिखा दिया है। साथ में इसमें टीवी भी लगी होगी, डबल बेड होंगे, 2 बेड होंगे साथ में, एक रूम यहाँ और एक रूम अंदर, और बाथरूम अटैच, दोनों रूम का बाथरूम एक होगा। तो आप लोग भी जरूर बताएं इसमें और क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों ले चलता हूँ मैं आपको अब तीसरे रूम की ओर, जिसमें साथ में अटैच है किचन। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा रूम, जो साथ में जिसके है किचन, वो किचन वाला रूम भी मैं आपको दिखाता हूँ, और आप जरूर बताएं इस रूम में भी क्या क्या सुविधाएं और होनी चाहिए, और क्या क्या कमियां अभी इस रूम में है और क्या क्या खूबियां हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस रूम में, और ये है हमारा तीसरा रूम। वैसे टोटल 4 रूम हैं, और क्योंकि 2 रूम एक साथ हैं और 2 सिंगल हैं, तो वैसे 3 हमारे पास 3 रूम है। अगर कोई 3 फैमिली आती तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रूम है। तो और इस रूम की जो लंबाई है ये है 20x10,
यानी कि 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा। आप लोग देख रहे हैं इस रूम को, और इसमें जो सबसे खास बात है वो है इसके साथ किचन है अटैच, इसके साथ टीवी अटैच है जो हमारे हर रूम में है, और लाइटिंग जो सबसे मेन है, चार्जिंग स्विच, क्योंकि आजकल सबसे मेन है चार्जिंग स्विच, तो आपको हर बेड के वहां पर आपको चार्जिंग स्विच मिलेंगे। और यहाँ पर चेयर भी रखी हुई है, और कोई ऑफिशियल काम के लिए आते हैं, कई लोगों की कॉल आती है कि हमें अपने ऑफिशियल काम से आना था, तो आप लोग अगर यहाँ ऑफिशियल काम से आते हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल टेबल है आपको, और साथ में ऑफिशियल काम करने के लिए वहाँ पर चार्जिंग स्विच भी दिए गए हैं, क्योंकि आपके लैपटॉप वगैरह होते हैं तो आपको यहाँ पर चार्जिंग की सुविधा अच्छी से मिल जाए, आपका काम अच्छा हो जाए और आपको पहाड़ों पर एक खूबसूरत जगह पर रहने का मौका मिले। तो आइए दोस्तों आपको दिखाता हूँ सबसे पहले किचन, कि किचन के साथ जरूर बताएं आप लोग। तो दोस्तों ये ले चलता हूँ मैं आपको किचन पर, और ये है किचन, आप लोग देख रहे हैं किचन, यहाँ पर हमने आपके लिए सारी सुविधाएं रखी हैं, और जो भी कमी होगी हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। आपके लिए बाल्टी रखी है 10 लीटर की, आपके पानी के लिए ट्रे रखी है, जग रखा है, और यहाँ पर गैस और बर्तन आप देख रहे हैं, कप रखे हैं, कांच के गिलास रखे हैं आपके पानी के लिए, और यहाँ पर आपके प्लेट, फ्राईदान, सभी कुछ हमने लगभग यहाँ पर हर आपको हर एक सुविधा देने की कोशिश कर रखी है। तो आप लोग जरूर बताएं कि इसमें और अच्छा क्या हो सकता है। आपको मैं पूरा रूम दिखाता हूँ एक साथ। तो दोस्तों आप भी देख रहे हैं, इधर है हमारा बाथरूम, तो आपको मैं बाथरूम भी एक बार दिखा देता हूँ कि बाथरूम कैसा बना हुआ है, जरूर बताएं आप लोग हमें। और सबसे पहले दिखाता हूँ आपको बाथरूम में टॉयलेट सीट, गीजर, और ठंडे पानी के लिए भी, ठंडे और गर्म पानी के लिए दोनों एक साथ एक जगह पर रखे गए हैं, वॉश बेसिन, जो जो सुविधाएं होनी चाहिए। और इस बाथरूम की जो लंबाई है वो है 7 फीट बाई 5 फीट, जो हमारे हर बाथरूम की लंबाई लगभग लगभग बराबर है। तो आप लोग जरूर बताएं और क्या सुविधाएं यहाँ पर हो सकती हैं। और मेरे दोस्तों जो इस रूम की कीमत रखी है हम लोगों ने, इस रूम की कीमत रखी है हम लोगों ने 1300 रुपये, 1300 रुपये एक दिन का चार्ज रखा है हमने इसका। और अगर आप लोग महीने के लिए या वीकली लेते हैं, हफ्ते के लिए या महीने के लिए, तो इसका चार्ज हम लोग काफ़ी कम लेते हैं। तो आप लोग अगर आपको अगर एक हफ्ते एक महीने के लिए चाहिए रूम, तो प्लीज़ आप लोग हमें कॉल करें, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि क्या है इस रूम के प्राइस। तो अगर आप लोग को हमारा होम स्टे अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं, और आप लोग भी हमें सुझाव दें कि इसमें क्या क्या और बेहतर हो सकता है, क्योंकि बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। आप लोग हमें सुझाव दें और हम लोग भी इस पर लगातार काम करेंगे और आपको अच्छी सुविधाएं दें, ये हमारा लगातार प्रयास रहेगा यहाँ पर, कि आप लोग अगर कहीं दूर से आते हैं तो हम लोग आपको क्या सुविधाएं दे सकते हैं, क्योंकि अच्छी सुविधा देना हमारा यहाँ पर काम है आपको। तो प्लीज़ अब वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, थैंक यू।